पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाटों पर लगे पोस्टर पर विवाद हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लिखा गया है कि घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गंगा घाटों के अलावा बनारस के मंदिरों में भी इस तरह के पोस्टर लगाने की योजना है। काशी के पंचगंगा घाट, रामघाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक वीएचपी और बजरंग दल ने पोस्टर लगाए हैं। वीएचपी का तर्क है कि मंदिर और गंगा घाट सनातन धर्म के लोगों की आस्था और श्रद्धा का स्थान है। यहां पर उन लोगों का स्वागत है जो आस्था के साथ आते हैं, लेकिन जो लोग पिकनिक मनाने आते हैं उनको यहां पर नहीं आना चाहिए। और इसीलिए लिखा है कि जो गैर हिंदू है इन घाटों पर नहीं आ सकते। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, वाराणसी में अलग अलग घाटों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद इसमें लिखा हुआ है और दूसरा इसमें बजरंग दल का नाम है। और उसमें ये कहा गया है कि जो तमाम जो घाट हैं वो सनातन धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और जो लोग आस्था नहीं रखते हैं वो यहाँ पर पिकनिक मनाने ना आए। आज का जो पोस्टर है वो पोस्टर नहीं, एक संदेश है गैर सनातन धर्मियों के लिए। गंगा के घाट मंदिर सनातन धर्म के प्रतीक, आस्था के चिन्ह हैं और हम उन्हें इन पोस्टर के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारी सनातन संस्कृति के चिन्ह से दूर रहें। ये पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने की जगह नहीं। अगर उनका सनातन धर्म में आस्था हो तो आए, हम उनका स्वागत करते हैं। अन्यथा उनका अगर श्रद्धा में आस्था नहीं है तो हम उनको यहाँ से खदेड़ने का भी काम करेंगे। देखिए, पर्यटक आने में हमें आपत्ति नहीं है, वो आके दर्शन करें और हमारे जो धार्मिक भावना है उसको किसी तरह से आहत ना हो, क्योंकि हम गंगा मैया कहते हैं, वो हमारी माता हैं, इसलिए हमारे धार्मिक भावना का वहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कोई पर्यटक स्थल नहीं है, जो है जिस हिसाब से बाकी पर्यटक स्थान पे जाते हैं उस दृष्टि से ना आए, हमारी भावनाओं को कद्र करते हुए यहाँ पर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।